राठमहुआ रेलवे लाइन सर्वे पर पूर्व सांसद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 2003 के सर्वे की रिवाइव क्यों नहीं कराई गई। वहीं भिंड राठमहुआ रेलवे लाइन की मांग बुंदेलखंड अंचल लंबे अरसे से कर रहा है। अभी हाल ही में भिंड राठमहुआ रेलवे लाइन के सर्वे के लिए पुनः बजट की मांग रेल मंत्रालय ने की है, जिसको लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने रेल मंत्री को पत्र लिखने की बात करते हुए कहा कि 2003 में ही उनके द्वारा भिंड राठमहुआ रेलवे लाइन का सर्वे करीब 125 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बनवाकर तैयार किया गया था। आपको बता दें कि रिवाइज कराने से समय और बजट दोनों की बचत होगी। वहीं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले ट्रैक से दोनों प्रांतों के बुंदेलखंड क्षेत्र को जल्द रेलवे की सेवाएं मिलने लगती हैं। भिंड राठमहुआ रेलवे लाइन को लेकर पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कब तक सर्वे और बजट में भिंड कोच रेलवे लाइन उलझा रहेगा। उन्होंने 2003 के ही सर्वे को मान्य कर चालू कराने की मांग की है, ताकि लंबे अरसे से चली आ रही बुंदेलखंड क्षेत्र की मांग पूरी हो सके। 2003 में इसका सर्वे हो चुका है और सर्वे के बाद एस्टिमेट भी बन चुका है, जो आपके सामने रखा है। ये 477 करोड़ का पॉइंट कुछ का एस्टिमेट बना था। आदरणीय अटल जी ने दो बार घोषणा की। ग्वालियर जब वो आए तब हमने उनसे निवेदन किया, वहाँ पे घोषणा की आम सभा में, और फिर 2004 में भिंड आए तब भी घोषणा की। लेकिन दुर्भाग्यवश 2004 वाली चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई, इसलिए उसमें बजट अलॉटमेंट नहीं हुआ।